1969 में चांद पर जाने के बाद जिस कैमरा से फोटोग्राफी की गई थी वो था हैसलब्लैड 500EL। जब नासा ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की तो काफी लोगों का कहना था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैमरा स्पेस सूट के अंदर से कैसे ऑपरेट किया होगा। यहाँ तक के एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट रैल्फ रेनी ने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। उन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर बनाया और उसमें अपना हाथ डाला। ये देखा गया कि वैक्यूम चैम्बर में ग्लव्स के साथ उंगलियों की प्रिसाइज मूवमेंट करना काफी मुश्किल है। इस कंडीशन में किसी कैमरा के ट्रिगर को दबाना या उसका फोकस सेट करना पॉसिबल ही नहीं है। असल में हैसलब्लैड है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कैमरा, लेकिन इसको खास तौर पे लूनर मिशंस के लिए मॉडिफाई किया गया था। ये स्पेस सूट के साथ स्लाइड करके अटैच हो जाता था। इसके अलावा इस कैमरा में शटर का बटन भी काफी बड़ा रखा गया था और फोकस रिंग को भी ऐसे मॉडिफाई किया गया था ताकि वो अकड़े हुए ग्लव से भी रोटेट किया जा सके।